सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज के पिछले एपिसोड में सभी वॉरियर्स अपने टाइमलाइंस के लिए फाइट कर रहे थे। सभी टाइमलाइंस में से केवल 3 टाइमलाइंस ही लौट पाते हैं और बाकी के टाइमलाइंस आयोस के द्वारा खत्म कर दिए जाते हैं। यह सुन सारे योद्धा हैरान होते हैं। ट्रंक्स गुस्सा होता है और खुद का पावर बढ़ाकर दूसरे टाइमलाइंस को स्पेस टाइम से मिटाने के लिए आयोस के कैंपेनियन से लड़ने लगता है। लेकिन लगता था वह कैंपेनियन ट्रंक्स को जानता था। ट्रंक्स और वह योद्धा की लड़ाई के बीच आयोस आ जाती है, जो खुद को सभी से इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि वह टाइम और स्पेस की सिलेक्टर है। आयोस जो सुप्रीम काय ऑफ टाइम थी, वह कहती है, मैं टाइमलाइंस को ऐसे ही बढ़ने नहीं दे सकती। यही नियम है, तुम्हें एक दूसरे से लड़ना होगा। जो टीम हारेगी उसके साथ उनका टाइमलाइंस में खत्म कर दिया जाएगा। वह एक टाइम स्क्रॉल को सभी के सामने खत्म कर देती है। आयोस कहती है, जल्दी करो, ना जाने कौन सा टाइमलाइन अंत में बचेगा। इस तरह वहां से तीनों टीम्स आयोस के द्वारा टेलीपोर्ट कर दिए जाते हैं। गोकू कंफ्यूज था, वह भी अपने टीम के साथ वहां से टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। पिकलो और गोहन टेलीपोर्ट होकर प्लैनेट नेमेक पर पहुंचते हैं, लेकिन यह किसी दूसरे टाइमलाइन का प्लैनेट नेमेक था। उसी प्लैनेट पर फ्रीजा, फ्रॉस्ट और कई दूसरे वॉरियर्स भी आ जाते हैं। गोहन कहता है, पिकलो सामा, ये वे वॉरियर्स हैं जिनसे हम पहले लड़ चुके हैं। पिकलो कहता है, तो इसका मतलब ये दूसरे टाइमलाइन से हैं। तभी वहाँ पर एक और वॉरियर आ जाता है। वह वॉरियर आयोस के कैंपेनियन में से एक था। वह अपना ब्लैक मास्क हटाता है तो पिकलो और गोहन हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह भी एक पिकलो ही था। वह कहता है, तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। दूसरी तरफ हिट, विजेता, यामचा किसी दूसरे जगह टेलीपोर्ट होते हैं, जहाँ आयोस की एक कैंपेनियन उस टाइम फेरी को अपने हाथों में रखे हुए थी। वह कहती है, यह टाइम फेरी मिली को जो मुझसे ले पाएगा वह आयोस के पास वापस जा सकता है और वह टीम सेकंड राउंड का विनर भी होगा। लेडी आयोस इस डायमेंशन के सेंटर में है। विजिटा कहता है, बस इतना ही, तुम्हें हराना है और उस छोटी सी चीज को तुमसे छीन लेना है। वह वॉरियर कहती है, हाँ बस इतना ही। वह वॉरियर कहती है, तो चलो गेम शुरू करते हैं। वह अपने पावर से कई ग्लास वॉरियर बाहर निकालती है, जिससे विजिटा आसानी से फोड़ देता है। विजिटा और हिट अपना पावर बढ़ाकर उस लेडी के पास जाने लगते हैं। दूसरी तरफ ट्रंक्स उस वॉरियर से लड़ रहा था जिससे कुछ देर पहले ट्रंक्स ने फाइट की थी, जो केवल एक हाथ से लड़ रहा था। ट्रंक्स कहता है, वे मूवमेंट्स केवल एक हाथ से, तो तुम सच में। वह वॉरियर अपना ब्लैक ड्रेस हटाता है, वह गोहन था। ट्रंक्स उसे देख हैरान होता है, गोहन समा, लेकिन क्यों? फिर गोहन बताता है, मेरे टाइमलाइंस में बुलमा और ट्रंक्स, जिन्हें मैं सब कुछ मानता था, वे एंड्रॉइड्स के हाथों खत्म कर दिए गए और मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि मैं कमजोर था। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। इतना कमजोर होने के बाद भी अब भी जीवित हूँ। गोहन के चारों तरफ से एक एनर्जी की लहर निकलने लगती है। गोहन कहता है, लेडी आयोस ने मुझे अपने डार्क ड्रैगन बॉल की मदद से शक्तियाँ दी। मैं अपना पावर अब साबित करूंगा और यही मेरे जीवन का मकसद है। गोहन अपना पावर बढ़ा लेता है। पावर बढ़ाकर वह ट्रंक्स पर अटैक करने लगता है। दोनों योद्धा लड़ने लगते हैं। ट्रंक्स कहता है, मैं तुम्हारी भावनाओं और दर्द को समझ सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे एक हाथ से नहीं हरा सकते। गोहन कहता है, अब मैं किसी से नहीं हारूंगा। गोहन एक हाथ से कामेहामेहा एनर्जी बॉल बनाने लगता है और ट्रंक्स अपना खास अटैक बनाने लगता है। दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं। ट्रंक्स कहता है, गोहन सामा, तुम्हारी ताकत। ट्रंक्स अपना बचपन याद करने लगता है। ट्रंक्स अपना पावर और बढ़ा लेता है। गोहन उस अटैक को नहीं रोक पाता है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है। दोनों वॉरियर्स थक जाते हैं। ट्रंक्स कहता है, तुम्हारी शक्ति ऐसी बिल्कुल नहीं थी। दूसरी तरफ गोकू और जीरन किसी दूसरे जगह टेलीपोर्ट होते हैं, जहां एक अनजान वॉरियर था। गोकू मुस्कुराता है और खुद को अपना अल्ट्रा गॉड फॉर्म अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में बदल लेता है। वह वॉरियर कौन है? क्या गोकू और जीरन मिलकर उस नए वॉरियर को हरा पाएंगे? जानने के लिए देखना न भूले सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज का अगला एपिसोड।